हेलो दोस्तों, वेलकम टू आर एन डी आई टी सोल्यूशन। आज उन जो सिलेबस इंस्टॉल करेंगे एक मैकबुक लैपटॉप में, एक पैरेलल डेस्कटॉप एप्लीकेशन है उसके साथ, ठीक है। ये एप्पल का मैकबुक एयर लैपटॉप है, इसमें एप्पल का M1 चिप है और इसमें जो रैम है 8 GB रैम है और जो मैक ओएस है लेटेस्ट है वेंचुरा 13.3.1, ठीक है। तो इसी में ही हम लोग विंडोज 11 इंस्टॉल करेंगे। तो इसका जो स्टोरेज है ये लगभग 180 GB फ्री है, ठीक है, तो इसमें हो जाएगा अपना। तो पहले हम लोग को पहला डेस्कटॉप जो एप्लीकेशन है उसका ऑफिशियल साइट में जाके डाउनलोड करना पड़ेगा। तो ये जो सॉफ्टवेयर, ये पेड सॉफ्टवेयर है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, एक ट्रायल वर्सन डाउनलोड करके एक बार टेस्ट करेंगे। तो ये आगे इसका ऑफिशियल साइट, इधर देखिए तीन ऑप्शन है, एक बाय नाउ, अपग्रेड नाउ और फ्री ट्रायल। तो हम लोग फ्री ट्रायल में क्लिक करेंगे और यहाँ पर डाउनलोड फ्री ट्रायल यहाँ पर क्लिक करेंगे। तो ये जो ट्रायल वाला एप्लीकेशन है डाउनलोड हो गया, अब इसको यहाँ से इंस्टॉल कर देना है। यहाँ पर जस्ट क्लिक करेंगे, इंस्टॉल पैरेलल डेस्कटॉप इज एन डाउनलोड इज एन ऐप डाउनलोडेड फ्रॉम द इंटरनेट और इज वांट टू सी योर ओपन इट। यस, यहाँ पर ओपन कर देंगे हम। ठीक है, यहाँ पर एक्सेप्ट कर देंगे और ये जो पैरेलल डेस्कटॉप का जो भी एप्लीकेशन है अभी ये डाउनलोड होना चालू हो गया। ये दिखा रहा है 3 to 1 MB का एप्लीकेशन है। ये एप्पल जो M1 चिप है इसमें विंडोज इंस्टॉलेशन करने का एक लिमिटेड ऑप्शन है। पहले इंटेल चिप में आपको बूट कैम मिल जाता था वो फ्री में, लेकिन इसमें क्या है, आपको बेस्ट जो ऑप्शन है ये पहला डेस्कटॉप है। इसके अलावा और भी 2-3 ऑप्शन है, लेकिन उसमें जो फीचर्स है आपको लिमिटेड भी मिलता है। इंस्टॉलिंग दिखा रहा है, इंस्टॉलिंग पैरेलल डेस्कटॉप। ये पैरेलल डेस्कटॉप यूजर परमिशन मांग रहा है, पासवर्ड देना पड़ेगा। ओके, अब ये इनिशियलाइजेशन कर रहा है पैरेलल डेस्कटॉप को। ये कुछ परमिशन वगैरह मांग रहा है, तो एप्पल का जो होम फोल्डर है उसका परमिशन मांग रहे हैं। होम फोल्डर में जैसे डाउनलोड डेस्कटॉप और डॉक्यूमेंट्स, ये तीनों का ही परमिशन मांग रहा है। ये तीनों फोल्डर आप आराम से विंडोज का जो ओएस है उसी से एक्सेस कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर दो ऑप्शन आता है, एक डायरेक्ट वन क्लिक इंस्टॉलेशन आता है, इंस्टॉलेशन विंडो करने से डायरेक्ट विंडोज 11 लोड हो जाएगा, और अगर स्किप करेंगे तो स्किप करने के बाद आप अलग से जो भी मैक हो गया, लिनक्स हो गया, ये विंडोज़ का अलग वर्सन अब लोड कर सकते हैं। तो हम लोग वन क्लिक इंस्टॉलेशन करेंगे, इसलिए इंस्टॉल में क्लिक कर दिया। ये डायरेक्ट माइक्रोसॉफ्ट का जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसी से ये डाउनलोड हो रहा है विंडोज 11। आपको एक चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा, इसमें जो डाउनलोड होगा मैं विंडोज़ इसका भी आपको लेकिन लाइसेंस अलग से परचेस करना पड़ेगा। ये चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा, आपको अलग से पहला डेस्कटॉप के लाइसेंस लेना पड़ेगा और इसका भी लाइसेंस अलग से देना पड़ेगा, ठीक है। तो पहला डेस्कटॉप का जो प्राइस है तो कितना है, एक बार हम लोग साइट में जाके चेक कर लेते हैं। इसका जो ऑफिशियल साइट है उसमें जाएंगे, ये पहला वाला जो ऑप्शन है यहाँ पर, अगर बाय नाउ में हम लोग क्लिक करेंगे तो ये देखिए तीनों अलग अलग ऑप्शन आता है। एक पहला डेस्कटॉप स्टैंडर्ड एडिशन, ये होम एंड स्टूडेंट यूज़ के लिए है, तो इसमें जो रिसोर्स यूज़ करता है वो मिनिमम करता है, जैसे 8 GB रैम यूज़ करता है और 4 कोर प्रोसेसर लेता है, ठीक है। और इसका जो प्राइस है लगभग $100 के आसपास है। और दूसरा है प्रो वाला ऑप्शन, प्रो वाला में क्या है, अब अगर कुछ डेवलपमेंट करेंगे या फिर गेमिंग करेंगे या टेस्टिंग करेंगे आप प्रो वाला में जा सकते हैं, इसका लगभग $120 के आसपास है। अगर आप बेस्ट परफॉर्मेंस चाहते हैं कुछ गेमिंग के लिए या फिर कुछ एडिटिंग के लिए तो इस ऑप्शन में आप जा सकते हैं,
और तीसरे ऑप्शन है बिजनेस एडिशन जो लगभग $150 के आसपास है, ये फॉर आपका डिजाइनिंग एंड आईटी टीम्स वगैरह के लिए है, आईटी डिपार्टमेंट जो मल्टीपल मैक कंप्यूटर यूज़ करते हैं उन लोगों के लिए है। तो स्टैंडर्ड एडिशन अगर हम परचेस करना चाहते हैं तो जस्ट यहाँ पर बाई नाउ में क्लिक कीजिए। इधर में देखिए दो ऑप्शन है, एक वन टाइम परचेस, इसका प्राइस 13,929 रुपीज़, और दूसरा है एक ईयरली सब्सक्रिप्शन बेस जिसका मंथली प्राइस दिखा रहा है 892 रुपीज़। अगर एक साथ परचेस करेंगे 12 मंथ के लिए तो आपका 10,715 रुपीज़ लगभग पड़ेगा। लेकिन इसमें एक अच्छा फीचर है, ये आप प्री अपग्रेड कर सकते हैं और इसमें आपको सपोर्ट भी मिल सकता है। तो अगर इसको परचेस करेंगे तो इधर में देखिए टैक्स मिला के ये लगभग 13,929 रुपीज़ पड़ जाता है पर ईयर का। अगर आप परचेस करना चाहते हैं तो डायरेक्ट ये यहाँ पे आप अपना क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड देके परचेस कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग तो ट्रायल वाला ही अब यूज़ करेंगे, तो अभी देखते हैं विंडोज कहाँ तक पहुँचा। चलिए ये दिख रहे और 4 मिनट बाकी है, ठीक है वेट करते हैं तब तक। ये डाउनलोड कंप्लीट हो गया है, अभी वैलिडेटिंग हो रहा है। चलिए ये इंस्टॉलेशन प्रोसेस अभी चालू हो गया। फिर ये कैमरा का एक्सेस के लिए परमिशन मांग रहे, ठीक है यहाँ पर ओके कर देता हूँ अभी। ये जैसे नॉर्मल हम लोग इंस्टॉल करते हैं कोई भी पीसी में जैसे इंस्टॉल होता है वैसे ये इंस्टॉलेशन प्रोसेस चालू हो रहा है। ये लगभग 10 मिनट के अंदर सारा प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। विंडोज इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो गया, अभी फर्स्ट टाइम स्टार्ट हो रहा है। ये वन क्लिक इंस्टॉलेशन में आपको इसके बाद कुछ नहीं करना पड़ता, ये डायरेक्ट डेस्कटॉप पर स्क्रीन आ जाता है। आ गया विंडोज 11 का लोगो, अपडेट चेक कर रहा है ये। पहला डेस्कटॉप में आपको विंडोज का सारा फीचर्स मिल जाता है, सारा अपडेट वगैरह भी मिल जाता है, और इसमें आपको कोई भी ड्राइवर इंस्टॉल करना नहीं पड़ता, ये सारा ड्राइवर ले लेता है इंक्लूडिंग ग्राफिक्स वगैरह। तो इसीलिए इसका प्रो वर्जन में आप आराम से गेम खेल सकते हैं। यहाँ पर हम लोगों को ट्रायल वर्सन में एक बार साइन इन करना पड़ेगा। तो गूगल का अकाउंट से हम लोग साइन इन कर लेते हैं। विंडोज एग्रीमेंट को एक्सेप्ट करना पड़ेगा यहाँ पे। फुली इंस्टॉल हो गया विंडोज 11। चलिए इसको यहाँ से क्लोज कर देते हैं। अब देख सकते हैं आपका विंडोज का स्क्रीन आ गया, तो जस्ट एक बार अपडेट चेक कर लेता हूँ कुछ अगर अपडेट है तो एक बार इंस्टॉल कर लेता हूँ पहले।
यहाँ पर देखिए एक्टिवेट करने बोल रहे हैं। अगर आपके पास लाइसेंस है तो यहाँ से डायरेक्ट एक्टिवेट कर दीजिए, नहीं तो आपको परचेस करना पड़ेगा इसका लाइसेंस। तीन अपडेट दिखा रहा है, इसको डाउनलोड और इंस्टॉल कर देते हैं यहाँ पे। अपडेट भी है तो भी डाउनलोड और इंस्टॉल कर देते हैं। पर अभी पहले आपको एक्टिवेट करना पड़ेगा विंडोज, उसके बाद ही जो भी इसका अपीयरेंस चेंज कर सकते हैं। ये मैक और डेस्कटॉप में आप आराम से फाइल ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं, आराम से एक्सेस कर सकते हैं। विंडोज का जो भी फाइल से आप आराम से मैक में भी एक्सेस कर सकते हैं, और मैक का जो भी फाइल से आप विंडोज में आराम से एक्सेस। तो इसमें आपको अलग से कोई टूल वगैरह का दरकार नहीं है। ड्राइवर्स को एक बार चेक कर लेते हैं। ये देखिए ऑलरेडी सारा ड्राइवर इंस्टॉल्ड है, अलग से हम लोग को ड्राइवर देना नहीं पड़ा। साउंड हो गया, नेटवर्क हो गया, सब कुछ ले लिया। और नेटवर्क जो एप्पल का जो नेटवर्क है सेम नेटवर्क इससे कनेक्टिविटी होता है, इसमें अलग से आपको इंटरनेट देने का दरकार नहीं है। ये एज को यहाँ से एक्सेस कर सकते हैं। तो जैसे एक नॉर्मल विंडोज लैपटॉप में जो जो चीज़ कर सकते हैं सेम पैरेलल डेस्कटॉप के साथ आप यहाँ पर भी सेम चीज़ एक्सेस कर सकते हैं। ये जो डेस्कटॉप है, ये जो होम फाइल से सब आपका मैक का फोल्डर है, तो यहाँ से आप सारा फाइल्स वगैरह एक्सेस कर सकते हैं। ऊपर में देखिए बहुत सारा ऑप्शन है, टास्क मैनेजर हो गया, यहाँ पर कॉन्फ़िगर भी कर सकते हैं, जैसे कुछ रैम वगैरह बढ़ाना हो बाद में यहाँ पर कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको इसको शट डाउन करना पड़ेगा। हार्डवेयर वगैरह आप चेंजेस कर सकते हो बाद में। होपफुली आपका ये वीडियो कुछ अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।